प्रयागराज, सिविल लाइन क्षेत्र, बाटी चोखा फैमिली रेस्टोरेंट में आज भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद टीम द्वारा मीटिंग आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यगणों ने आपस में मुख्य बातों पर चर्चा किया कि किस तरह हम सब एक आम आदमी को उसके हक के बारे में बताया जाए और उस पीड़ित इंसान को अपनी मानवाधिकार की जानकारी हो। हर वर्ग को, महिला पुरुष सभी को मानवाधिकार संबंधी जागरूक किया जाए, जिसमें वह अपने हनन का अधिकार की बातें कर सके। भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद टीम के सभी पदाधिकारी, अपर निदेशक मीनू सिंह के साथ अभिज्योत सिंह, अपर निदेशक लखनऊ उमा टंडन, उप निदेशक लखनऊ सौरभ श्रीवास्तव, केंद्रीय निदेशक रागनी श्रीवास्तव, केंद्रीय कोषाध्यक्ष एवं शिमला पांडे, उषा मिश्रा, सुनीता रानी, राकेश कुमार विश्वकर्मा, अर्चना वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। पैसे भी बाहर निकल रहे हैं, यदि कोई आदमी ही है, यदि कोई मजबूर है, कोई परेशान है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, कोई घटना घट गई, तो उसकी मदद करने के लिए उनका गरीब लोगों का अत्याचार होता है। तो असहाय लोगों को होता क्या है कि यहाँ पे लोगों के मन में ये है कि मानवाधिकार की वो आएंगे सिस्टम प्रयास करते हैं कि आप मेन चीज़ ये है, इसको पावर आप समय निकाला है यहाँ पे आने के लिए, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इसके बारे में लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि मानवाधिकार है क्या, मैं थोड़ा सा उनके उनके मन की जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या समझते हैं। जी हम लोग मीटिंग रखे हैं अपने मानवाधिकार के, उसमें जो हमारी महिला टीम इस समय पुरुषों को लेके कम से कम नहीं तो 40 से 45 लोग हैं इसमें, इस मीटिंग में। और हम लोग इस पे चर्चा करने के लिए कि हम एक दूसरे से जोड़ के आज वो मजबूती कड़ी बने हैं, और कुछ भी अगर फ्यूचर में करना चाहे तो कोई भी लाचार और दुखी नहीं हो सकता है, और हम हमारी कड़ी इतनी मजबूत बने कि हम औरों की सहायता करने के लिए आगे खड़े हों और उनकी सहायता के लिए बढ़ के उनका साथ दें। मीनू सिंह, अपर निदेशक और मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। हमारा उद्देश्य था महिलाओं को उनका अधिकार और भाई भाइयों को उनका अधिकार से जो वो वंचित है उनको जागरूक करने की मीटिंग रखी गई है। किस तरह मतलब हम इस तरह ये जागृत किया जा रहा है इस मीटिंग के थ्रू की जो महिलाएं अपने अधिकार को नहीं समझ पाती हैं कि उनके साथ क्या उत्पीड़न किया जाता है समाज के साथ में या और लोगों के साथ में, जैसे मार्केट में चाहे कहीं भी कोई भी प्लेस में उनके साथ जो बदतमीजी सलूक किया जाता है, उनके उद्देश्य उनको ये दिखाने के लिए कि आपके पास इतनी पावर है, इतना अधिकार है कि उसको आप यूज करें, उसको मिसयूज नहीं, उसको यूज करें। उसके थ्रू ये यहाँ मीटिंग रखी गई है। मैं उमा टंडन, उप निर्देशक प्रयागराज। इसका उद्देश्य यही है कि आज की डेट में एक तो बेरोजगारी हमारे यहाँ कितनी बढ़ गई है आपको भी पता है, हर आदमी को एक प्रॉपर नौकरी नहीं मिल पा रही, जो
जिसके लिए वो डिजर्व करता वो पोस्ट नहीं मिल पा रही है। तो उसके चलते हम लोग ने एक छोटी सी पहल करी है कि हम लोग अपने परिषद भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के जरिए हम लोग एक इंसान की ताकत भी बने और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो हम लोग के द्वारा। तो इसी उद्देश्य से आज ये मीटिंग यहाँ पे रखी गई है कि हम लोग जितने से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे हम उतना ही लोगों की मदद भी कर पाएंगे और प्लस स्वयं अपनी भी कर पाएंगे। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ से ही सब इस फील्ड का सारा कुछ भीड़ से ही ये पे ही निर्भर करता है। मैं अभिजोत सिंह, अपर निदेशक उत्तर प्रदेश भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद।